Go on. जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा. चैट भी शेयर कर दिया यहाँ पे. बच्चों से लिंक शेयर कर दीजिए. हो गया. गुड इवनिंग एवरीवन. परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. जैसा कि आपको पता है कि आज जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और हम लोगों ने जेपीएससी का GS1 का पेपर है उसका आंसर की आप लोगों के पास लेके आए हैं आपके सामने. एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के GS1 के. चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग. जो ये सेट मैं बता दूँ, ये सेट कौन सा है, ये जो सेट है ये सेट बी है आपका. कौन सा सेट है? ये सेट बी है. अगर आपका सेट बी है तो आप अब इससे मिला सकते हैं अपना, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है मैच कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है इसमें नोबेल प्राइज विनर्स को मैच करने के लिए दिया है कि आपको मैच करना है नोबेल प्राइज विनर का. उसमें दिया हुआ है कि सेवेंटो पावलो, जो पहला ए में मैच करना फिजिक्स, ये फिजिक्स के नहीं है, ये किसके हैं? ये मेडिसिन के हैं. किसके? मेडिसिन के हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है ये. जो दूसरा है एलियन एस्पेक्ट, ये किसके हैं? ये फिजिक्स के हैं. किसके हैं? फिजिक्स के हैं. इसके सामने केमिस्ट्री लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी मिसमैच है. मॉर्टिन मेडल, ये किसके हैं? ये केमिस्ट्री के हैं, ये भी मिसमैच है. इसके सामने इकोनॉमिक साइंस लिखा हुआ है. एनी एनेक्स, ये लिटरेचर में मिला है 2022 के नोबेल प्राइज विनर्स को मैच करने के लिए दिया है पहला क्वेश्चन सेट बी का. ये सेट बी का पहला क्वेश्चन है. उसमें आप देखोगे तो मैच कौन सा कर रहा है? ये डी कर रहा है मैच आपका. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बुद्ध बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है 20 अप्रैल 2023 को कहाँ हुआ था? ये है, हिंदी में ही मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही दिए होंगे. तो इसका आंसर क्या आपका? दिल्ली, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है 20 अप्रैल 2023 को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन. तो आपका आंसर दो का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, किस कंट्री ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार? ये यहाँ पे ऑप्शन है मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया. इसका आंसर है सुरीनाम. सुरीनाम ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तीन का आपका डी आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे. ये झारखंड पीसीएस का आज जो एग्जाम हुआ है 17 मार्च को, GS1 का पेपर है, वो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, उसको देख रहे हैं, उसके आंसर्स को देख रहे हैं. अगर आपने दिया है तो मैच कर सकते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर फोर, द कोलिजन एयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द कोलिजन एयर्स? कोलिजन एयर्स, ठीक है ना, गठबंधन के वर्ष, इसका जो है राइटर के बारे में पूछ रहा है. इसके राइटर है इंडिया के 13th प्राइम प्रेसिडेंट, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी. इन्होंने लिखा है ये बुक द कोलिजन एयर्स. तो चार का आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? बी हो जाएगा आपका आंसर, चार का बी. क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे कि उत्तरी अटलांटिक नाटो के बारे में है, नाटो के बारे में दे रखा है कि नाटो के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए. इसमें पूछा इस संगठन में 42, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? 42 कंट्रीज हैं. नाटो हैज कंसिस्ट ऑफ 42 कंट्रीज. नहीं, ये गलत है. नाटो में जो है 32 कंट्रीज है. कितने हैं? 32 देश हैं. अभी हाल में जो है इसका कौन मेंबर बना है? तो अभी हाल में स्वीडन इसका नया मेंबर बना है 32वां. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत हो जाएगा. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये सही है आपका. इसका हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है. बेल्जियम में ब्रुसेल्स एक शहर है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है. तो ये सही हो जाएगा, ये गलत है. पूछ रहा है कौन सा सही है आपका, तो केवल दो. आपका आंसर पांच का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर पांच का. क्वेश्चन नंबर सिक्स G20 के संदर्भ में है, ठीक है, कि इसमें G20 के संदर्भ में पूछा कि कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना. तो पहला 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की. ये स्टेटमेंट गलत है आपका. ऑस्ट्रेलिया से नहीं, किससे ली है? इंडोनेशिया से ली है, इंडोनेशिया. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका ये. दूसरा है आपका G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ. ये बिल्कुल सही है कि G20 का जो पहला शिखर समिट हुआ है वो कहाँ हुआ? वाशिंगटन में हुआ है. दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे. छह का आंसर क्या आपका? बी हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर सात,
अब पूछ रहा है कि इंडियन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 यूसीसी के बारे में, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 44। 2023 में यूएसए में किस हाल में हाल, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2023 में अमेरिका के किस शहर ने दिवाली पे जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया है। तो आप देखोगे सरकारी स्कूलों में दिवाली को जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी ने हाल ही में जो है दिवाली पे स्कूल्स में जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है मैच कर रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पे परम पद्म श्री जो अवार्डी है और उसका जो है एरिया दिया हुआ है कि कौन से एरिया से रिलेटेड है वो, तो फील्ड क्या है। तो आनंद कुमार विज्ञान व ठीक है इंजीनियरिंग ये मैच नहीं कर रहा है, श्री मूलचंद लोरा ये भी नहीं है, जानुम सिसो ये भी नहीं है, श्री पी कल्याण सुंदरम ये सोशल सर्विस के लिए इनको मिला सोशल वर्क के लिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। तो मैच जो कर रहा है करेक्टली वो डी कर रहा है 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है, ठीक है भारत के किस स्टेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इनॉग्रेट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक, सबसे बड़ा कौन सा है कर्नाटक में। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2023, मतलब इस साल की बात नहीं हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, 2023 जनवरी 2023 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र के राष्ट्रपति। 11 का आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इंडिया ने कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया था अभी हाल में। तो 12 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। इंडिया ने हाल ही में ऑपरेशन कावेरी चलाया है सूडान से लोग इंडियंस को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी चलाया। तो 12 का आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के नए भवन को जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इसका आंसर 13 का क्या हो जाएगा, बिमल पटेल। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप मिलाना चाहते तो सब मिला सकते हैं, इसे मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, बिमल पटेल कौन है, आर्किटेक्ट है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए, इसका मैं इंग्लिश में पढ़ दूं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टफ है, लोगों को समझ में नहीं आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू अवॉर्ड कोलिजन फॉर द डिजास्टर रिसेलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है भारत CDR का सदस्य, बिल्कुल, क्योंकि भारत ही इसका फाउंडिंग है, यह एक UN एजेंसी है, UN एजेंसी नहीं है ये, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ये भी गलत है, इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई थी, ये भी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सिर्फ सही है वो कौन सा है, ये आपका CDRI इंडिया इसका एक मेंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो 14 का आंसर क्या है आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर डॉट इज डिफाइंड एज, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है निम्न मृदा आर्द्रता जो लो सॉइल मॉइस्चर होता है उसी से हम जो है कृषि सूखा को एग्रीकल्चर डॉट को डिफाइन करते हैं। तो आपका आंसर 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। तो ये हैदराबाद में है, कहाँ है, हैदराबाद में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 का डी हो जाएगा आपका आंसर। उधर से सर दिख नहीं रहा, इधर से मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा, हिंदी ही बोल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग याया तोसव झील, ये झील है लद्दाख में, एक झील है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, ये लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। इट इज लद्दाख फर्स्ट हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हाल में इसको जो है स्टेटस मिला है फर्स्ट हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज, इसको जो है पक्षियों का जन्नत भी कहते हैं, ये भी सही है आपका। इट इज फेड बाय सतलज रिवर, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है स्प्रिंग जो होते हैं और बाकी जो पानी आती है उससे जो है बना ये झील। तो आपका आंसर होगा 1, 2 and 3, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, तो ये आंसर आपका सी है।
17 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 18 का है लकड़वाला कमेटी, 1993 में जो लकड़वाला कमेटी बनी थी उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें जो है रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, गरीबी मूल्यांकन के लिए या गरीबी आकलन के लिए जो कमेटी बनी थी लकड़वाला, वो आपका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, मानव सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो की थी उसके में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं, तो इसमें जो आपका आंसर है जो करेक्ट नहीं है इसमें से वो है राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये जो है यूएन का जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसका पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड सब्सिडी बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी में कौन सा टर्म्स यूज नहीं किया जाता है, आंसर है ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, ये व्हाइट बॉक्स जो है इसमें यूज नहीं किया जाता, तो आंसर क्या होगा आपका 20 का, डी हो जाएगा आपका 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर एलुवियल सॉइल, ये पूछा जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या क्या सही है इसमें, इसमें है इस स्टैंड है ना, सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो इसमें जो है बालू की मात्रा कम होती जाती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बांगर एंड खादर, इसके दो टाइप्स होते हैं जलोढ़ मिट्टी के, खादर और बांगर, ये भी सही है। दिस सॉइल्स कवर्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, 40% भूभाग पर जो है मिट्टी का विस्तार है। दिस सॉइल इज रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, सब सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पीएम कुसुम योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किससे रिलेटेड है, तो पीएम कुसुम योजना का हम लोग देखेंगे, ये जो है एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम से, ठीक है, कृषि सोलर पंप सिस्टम से जुड़ा हुआ है पीएम कुसुम योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ए हो जाएगा आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज, मतलब श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू द वर्क, ये एक तरह का अनुपात है जिसमें नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक कार्यशील आयु जनसंख्या का प्रति अनुपात, तो बी हो जाएगा 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं हम लोग, वर्ल्ड स्पेशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज, ये कौन सी संगठन जो है वर्ल्ड, ये जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन सा संगठन जो जारी करती है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है ये रिपोर्ट जारी करती है, तो 24 कैंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 कैंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग खरी कमल, है ना, खराई कमल्स, खराई कमल्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, इट इज ए रेयर कमल ब्रीड फाउंड इन लद्दाख, ये लद्दाख का नहीं है, कच्छ वाले रीजन में, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में, तो स्टेटमेंट गलत होगी आपका, देयर नेम इज डिराइव फ्रॉम द लोकल वर्ड खारा मीनिंग सैलाइन, ये बिल्कुल सही है, उसी से निकला है ये, दे स्विम अलोंग, ये जो है पानी में तैर भी सकते हैं, ठीक है, वो जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे तैर भी सकते हैं ग्रेजिंग एरिया में जाने के लिए, ये स्टेटमेंट सही है। दे वर इंसेंटली यूज इन सिल्क रूट, ये सही नहीं है, तो आपका यहाँ 2 और 3 सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा 25 का, कि 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट के बारे में पूछा, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका, यह समाज में आय की असमानता को, इनकम के डिस्पैरिटीज को नापता है, इट मेजर्स द इनकम डिस्पैरिटीज, लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक है, हायर द गिनी कोएफिशिएंट लोअर द इनकम इक्वालिटी, ये स्टेटमेंट गलत है आपका, इट कैन बी डिराइव यूजिंग द लॉरेंज कर्व, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 1 एंड 3, 1 एंड 3 किसमें आपका बी में है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ है, ये आसाम में है, भारत के आसाम राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला है अर्थ ऑब्जर्वेटरी डे इज रिलेटेड टू, अर्थ ओवरशूट डे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से है, इसमें दिया नहीं है, पर्यावरण संरक्षण से, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा 28 का ए लगाएंगे आप यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज ए टेराकोटा फिग्रेंस, ठीक है ना, टेराकोटा फिग्रेंस रेप्लिका जो है कहाँ पे पाए गए हैं, मतलब हल की जो है प्रतिकृति कहाँ पाई गई है, किस इंडस साइट से, तो ये हरियाणा के बनावली से पाई गई है, तो आपको 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 30,
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट? अपना पाषाणकालीन जो स्थल है, ठीक है, नियोलिथिक साइट के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से मिला है ये? नन ऑफ दी अबव, ये जो है कहीं नहीं, इसमें से कोई भी जो है करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का डी। इकतीस, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज असेंडिंग और इज करेक्ट? ये इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर नहीं दिया हुआ इसमें। 32, प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ किस डायनेस्टी से रिलेटेड थी? प्रभावती गुप्ता जो है किस डायनेस्टी से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बाकाटक। ये किससे है? बाकाटक डायनेस्टी से है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता किससे है? बाकाटक डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द संगम टेस्ट, कोलकाता पीएम जो है संगम साहित है, ये संगम साहित मैं बता दूं साउथ इंडिया में चेरा चोला पांड्या जो है, तो पांड्यों के शासनकाल में 3 संगम हुए थे, उसमें पूछ रहा है कि तोलक्का पीएम जो है बुक है उसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये जो है ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपका आंसर 33 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका आंसर, 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मुगल मनसबदारी सिस्टम? तो मीर बख्शी के अंडर में था ये, तो इसका आंसर 34 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, मीर बख्शी, 34 का सी। 35, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द क्वाइंस मिंटेड ड्यूरिंग अ प्रीवियस रीजन, मतलब पहले के जो क्वाइंस होते थे मुगल शासनकाल में उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे आपको खजाना। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए हो जाएगा, खजाना। 36 का देख रहे हैं, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज सिचुएटेड, विजयनगर का जो राजधानी थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 36 का ए, तुंगभद्रा। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, तुंगभद्रा। ये सेट बी है, ये जो है जो आज जेपीएससी का एग्जाम हुआ GS1 का, उसका सेट बी का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, अगर आपका सेट बी है तो मिला सकते हैं, अदरवाइज कोई भी सेट हो तो आप ऐसे भी इसको मैच कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे हिंडोला महल ये होसंग शाह ने बनवाया था, ये जहाज महल ये ग्यासुद्दीन खिलजी का है, लाल दरवाजा मॉस्क ये बीबी राजे का है, और ये जो लाल महल है ये शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले उन्होंने बनवाया था। तो यहाँ पे मिस मैच कौन सा है, 37 का ए है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेंटर ऑफ जहांगीर के बारे में पूछा कि जहांगीर के शासनकाल का पेंटर कौन नहीं है, तो ये ख्वाजा अब्दुल समद कौन है, जहांगीर के समय के नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपका आंसर, सी हो जाएंगे, ये किसके समय के हैं, मिस अब्दुल समद और सैयद अली, ये दोनों किसके समय के हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों जो है हुमायूं के समय के हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा 38 का। इसमें पूछ रहा है कि कौन से सेशन में जो है फंडामेंटल राइट, कांग्रेस के किस सेशन में जो है फंडामेंटल राइट मूल अधिकार जो है जारी किया गया था, ये कराची सेशन 1931 का है, 1931 का कराची सेशन। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा आपका, 39 का आंसर बी, कराची सेशन 1931 में फंडामेंटल राइट जो डिक्लेयर किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 40 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रैयत वारिस इज ए सिस्टम विच हैज़ ऑलवेज प्रीवेल्ड इन इंडिया, किसने कहा था कि रैयत वारिस सिस्टम जो है इंडिया में हमेशा जो है प्रचलन में था? तो ये सबसे पहले कहने वाले थॉमस मुनरो है, कौन है, थॉमस मुनरो, डी होगा आपका आंसर, 40 का डी। 41, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज गांधी, गांधी जी से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो इंडियन मिरर है वो गांधी जी का नहीं है, ये किसका है, ठीक है, तो ये इंडियन मिरर जो है ये गांधी जी का नहीं है, बाकी यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन ये सब गांधी जी का है, सिर्फ बी जो है 41 का वो गांधी जी से जुड़ा हुआ नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 41 का। 42 का, द टीटी ऑफ अमृतसर की जो टीटी हुई है 1809 में हुई है, कब हुई है, 1809 में, ठीक है, 1809 में हुई है। पूछ रहा है ये टीटी हुई है वो किसके किसके विषय में, लॉर्ड मिंटो उस समय कौन थे, इंडिया के गवर्नर जनरल थे, तो उनके समय ये लागू हुई थी, आपका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय अंबेडकर, कौन सी बुक जो है अंबेडकर साहब ने नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे जो आंसर है उसका ये आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बुक जो है वो आर के लक्ष्मण की है, ठीक है ना, आर के लक्ष्मण की है, तो ये बुक जो है आपका डी हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया अराउंड 30 डिग्री, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, बी है,
ठीक है। 45 का देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर क्या होगा 44 का, 1 और 4। 1 में क्या दिया हुआ है, द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन टू पार्ट्स, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को दो हिस्सों में बांटती है। इसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है 4, लाइन जॉइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया सेट टू नॉर्थ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये 1 और 4 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 45 का डी हो जाएगा। 46 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद बांग्लादेश, कौन सा स्टेट है इंडिया का जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसका आंसर क्या होगा आपको, सी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम इंडिया का ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, कॉमन स्टेट है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज, उत्तर से दक्षिण की तरफ वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा कि अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले सह्याद्री आता है जो महाराष्ट्र वाले रीजन में है, फिर नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई और लास्ट में कर्नाटक कार्डमम में जो केरल में आता है। तो 47 का आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। 48 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट, कौन सा नदी जो है अरेबियन सागर में नहीं गिरती है। तो आप देखेंगे जो कृष्णा रिवर है वो अरेबियन सागर में नहीं मिलती है बल्कि बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 49 का देखेंगे, मैंगो शावर जो कॉमन नेम है वो किस स्टेट में बोला जाता है, ये कॉमन जो मानसून वाला जो हवा है, तो ये जो है केरला और कर्नाटका में यूज किया जाता है मैंगो सावर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 49 का डी। 50 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट ट्रू है इसके बारे में, ये पूछ रहा बाजरा के बारे में जो एक तरह का जो है कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है। तो इसमें जो सही आपका पहला सही है कि बाजरा इज सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जो सूखे और ठीक है गर्म प्रदेशों में उपजाया जाता है बाजरा। दूसरा आपका है कि इट इज़ ए हार्डी क्रॉप विच कैन रेसिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई, ये जो है सूखे वाले जलवायु क्षेत्रों में भी उपजाया जा सकता है, ये भी सही है। इसका बीइंग ए रेनफॉल क्रॉप द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज लो इन राजस्थान, ठीक है, लो नहीं राजस्थान में नहीं होता, राजस्थान लीड्स, राजस्थान नहीं कर्नाटका है। तो 3 और 4 गलत है, पहला और दूसरा इसमें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। 51 देखेंगे, द ड्राई लैंड एंड फार्मिंग इंडिया, मतलब भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे कम होती है, उसको शुष्क खेती कहते हैं। एज पर द 2011 सेंसस के बारे में पूछा कि इंटर स्टेट फीमेल माइग्रेशन, इसका सर आंसर नहीं दिया हुआ है इसमें। 53 देखें, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या के आकार के हिसाब से पूछा कि किस शहर में जो शहरी जनसंख्या है वो ज़्यादा से कम की तरफ है। तो अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो एक एक कम से ज़्यादा तक है ना, एसेंडिंग ऑर्डर है ये, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे जो है बढ़ते क्रम में देखेंगे तो अहमदाबाद, अहमदाबाद से ज़्यादा हैदराबाद, हैदराबाद से ज़्यादा बेंगलुरु, और बेंगलुरु से ज़्यादा चेन्नई की तरफ जो है अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये जो शहरी जनसंख्या उसके बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चेन्नई में है, और सबसे कम कहाँ, अहमदाबाद में। तो अरेंज करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत में चुनाव आयोग है वो किस देश से लिया गया है। तो ये इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये जो है नन ऑफ द अबव होगा, इसमें किसी देश से नहीं है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। 55 देखेंगे कि भारत के किस आर्टिकल में संसद को ये अधिकार है कि राज्य अगर उसको ये अधिकार देता है तो 2/3 से जो है उस पर जो कानून बना सकती है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल 249 में है, अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन है कि DPSP जो है वो किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि DPSP जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको कोर्ट के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। तो 37 आर्टिकल जो है खुद कहता है अपने आप में कि जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है, थ्रू कोर्ट नहीं है, कोर्ट में जाकर आप उसको लागू नहीं करवा सकते। तो 37 आर्टिकल में ये प्रावधान है, ये बात कही गई है। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है SC ST को जो है प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया गया है और आर्टिकल 16 में जो है 4A जोड़ा गया है। तो ये जो है 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1995 में आया है उसमें ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन 58 देखेंगे कि इसमें ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के बारे में पूछ रहा है, उसके फंक्शंस के बारे में। तो अगर हम इस पर देखेंगे, इसका जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश 97, कब है इसका आंसर नहीं दिया हम, लेकिन मैं बता दूँ ये फर्स्ट इस्टेब्लिश कब हुआ है, 97 में, बिल्कुल सही है। यह एक स्टैचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू बनी हुई, ये भी सही है। इस्टेब्लिश हुई रेगुलेट, ये भी सही है आपका। और इट इज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड मुंबई, मुंबई में नहीं है, कहाँ पे है ये, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 किस में है, बी में है, ओनली 1, 2 और 3। तो आप 58 का आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बिल्कुल सही, बी लगा लीजिए, इसमें दिया नहीं लेकिन पता है इसका बी है आंसर 58 का। 58, 9 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वी आर अपॉइंटेड टू इंक्वायर,
ये पंचायती राज के बारे में कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ उसके बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर में जो कमेटी है एल एम सिंह भी देख लेते हैं एक एक करके। पंचायती राज से ये कमेटी रिलेटेड है, जी वी के राव कमेटी ये भी इससे रिलेटेड है, अशोक मेहता कमेटी ये भी इससे रिलेटेड है, और बलवंत राय मेहता ये सबसे पहली कमेटी ये भी रिलेटेड है, सभी से रिलेटेड है। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 60, कौन से डेट को जो है गुड गवर्नेंस सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस 25 दिसंबर एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उसके जन्म दिवस पे सुशासन दिवस मनाते हैं। तो आपका आंसर 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टू अवॉर्ड द सीएजी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसके बारे में सही नहीं है, ठीक है ना? टू सही है, सही नहीं सही है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है करेक्ट है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है कि उसके जो है वोट ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर में इसके जो एक्सपेंसेस नहीं आते हैं ना, वोट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, उसके अंदर नहीं आता है। ही इज नॉट एलिजिबल टू फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई और पद धारण नहीं कर सकता। द सी ए जी कैन रिमूव फ्रॉम द, अगर सी ए जी को तभी हटा सकता है जब पार्लियामेंट जो है दोनों हाउस से अलग अलग जो है उसके बारे में ये पारित कर दे। तो पूछ रहा करेक्ट कौन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट अगर देखोगे इसमें जो है हो सकता है गलत इसमें कर रखा है, ओनली 2 और 3 होगा इसका आंसर। इसका आंसर सही कर लेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ओनली, करेक्ट पूछ रहा ना, तो करेक्ट है आपका ओनली 2 और 3, बी आपका सही होगा, ए नहीं होगा, ए गलत हो गया गलती से, आप इसको जो है देख लेंगे। 61 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, 61 का आंसर बी, ठीक है, 1 गलत है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये पूछ रहा है कि जो मूल अधिकार है उसमें पूछा प्रतिबंध जो लगाया था उचित प्रतिबंध उसके बारे में पूछा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे कौन कौन से आता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये आता है बिल्कुल, डिफेमेशन मानहानि ये भी आता है, सेडिशन राजद्रोह ये भी आता है, और पब्लिक ऑर्डर ये भी आता है। इसमें सारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें सारा सही है, ऑल ऑफ द करेक्ट है ना, ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, 63, ये पूछ रहा पंचायत के बारे में पेशा, पंचायत एक्सटेंशन ये शेड्यूल इलाके में होता है, शेड्यूल एरियाज के बारे में होता है, ये किस कमेटी ने 96 में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो ये है भूरिया कमेटी। आपका आंसर 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेशा लागू किया गया था, तो आपका आंसर सी होगा यहाँ पे। 64 देखेंगे कि विच वाज द गिवन एट द मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन द सेकंड 5 ईयर प्लान, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था सेकंड में, तो ये हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 का सी हो जाएगा। 65 का देखेंगे, विच इंडेक्स इज कंसीडर्ड द बेसिस फॉर एस्टिमेशन पॉवर्टी को इंडिकेट करने के लिए, कौन सा जो है अर्बन एरिया के में कौन सा जो है इस इंडिकेशन होता है, वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, तो आपका 65 का आंसर डी हो जाएगा। 66 का दिया हुआ है कि इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कंज्यूमर भी है प्रोड्यूसर भी है, ठीक है ना, और इम्पोर्टर भी है, तो पल्सेज में इंडिया जो है दाल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दाल में, 66 में सी दाल। 67 हम लोग आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, इसमें से कौन सा जो है कैश क्रॉप नहीं है 67 में, तो जूट है, गन्ना भी है और पीनट्स भी है, इसमें जो बाजरा है मोटा अनाज वो नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का बी। 68 में देखेंगे कि इसमें मिलाने के लिए बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बेसिस क्या है उसका, तो ऑल ऑफ दी अबव, इकोलॉजी सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक ये सब जो है एसडीजी का पार्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 69 का देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो कौन से साल में जो है ये वर्ड जो है क्वाइन किया गया, ये जोहान्सबर्ग में सबमिट हुई थी 2002 में, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एसडीजी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कब हुआ था, 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग अफ्रीका का एक ये है शहर है वहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। 69 में बी आंसर आपका जोहान्सबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था। 70 का आपका है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें जो है सारा करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। 71 देखेंगे, व्हाई डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू यूज, ये किस साल हुआ था, व्हेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म्स है वो कब डेवलप हुआ था, क्वाइन हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था, 1987 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 71 का बी हो जाएगा। 72 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में कब स्टार्ट हुए हैं, वो 91 में हुए हैं, तो बी हो जाएगा 72 का आपका आंसर।
ये मैच करने के लिए दिया है कि आपको मैच करना है, तो ये मैच करोगे तो पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो लैंड की वजह से होता है। विशेष साइकिल ये आपका ए हो जाएगा, आईबीआरडी ब्रेटन वुड हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे ए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 कि व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और साउंड के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ इको, इको कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 75 का, सी हो जाएगा। 76 का देखें लाइट एयर क्या है, ये डिस्टेंस की एक यूनिट है। 77 को देखेंगे हम लोग, इसमें पूछा कैन नॉट ट्रेवल इन, कौन सा चीज़ जो है वैक्यूम में निर्वात में नहीं चल सकता, जाहिर सी बात है साउंड, साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 77 का, सी हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता। 78 देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव इज नेम्ड एज मॉड्यूलेशन कहते हैं। 78 का आंसर क्या होगा, बी होगा आपका। 79 देखेंगे अंगोरा ऊल जो है वो किससे बनता है, अंगोरा ऊल एक टाइप है ऊल बनाने का, ये खरगोश से बनता है, खरगोश के फर से बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79 का, सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम के बारे में पूछा कौन सा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो टेम्प्रोरी स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। इज ए लाइक ए हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क नहीं होता है, रैम इज वोलेटाइल, वोलेटाइल होता है ये इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी तब तक रहेगा जब तक लाइट है, लाइट खत्म होगा तो इसके इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे, तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, ये जो करेक्ट नहीं है वो आपका बी है कि ये हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है। 81 आएंगे यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवांसेस इज कॉल्ड, ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि किसी की शिकायतों व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है, वो कहलाता है डी साइबर वेंटिंग, साइबर वेंटिंग कहलाता है। 82 आएंगे हम लोग कि विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल सीपीयू का कौन सा पार्ट जो है कैलकुलेशन करता है और डिसीजंस लेता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALC, तो आपका आंसर क्या होगा 82 का, डी हो जाएगा यहाँ पे। 83 आएंगे ICAR डे हर साल कब मनाते हैं, 16 जुलाई को मनाते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो डे है वो हर साल 16 जुलाई को मनाते हैं, तो 83 का आंसर बी हो जाएगा। 84 आएंगे ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस, है ना, तो इसको हिंदी में कहते हैं कि चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है, फिलीपींस में है ये। 85 का आंसर देखेंगे सुगर केन क्या है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, डे न्यूट्रल है, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है ना, इसको कम समय चाहिए होता है। 86 के लिए आएगा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, मतलब मेज के मक्के के इसमें एंडोस्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम होते थे, 20 होते हैं, तो 86 का आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। 87 में आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोमिक कंडीशन इज फाउंड इन कॉमर्शियल एडिबल व्हीट, जो हम लोग गेहूँ खाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसमें कितने होते हैं जीनोमिक कंडीशन क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका ए भी जीनोम आएगा ए। 86 में आएंगे अल्कलाइन सॉइल कैन बी इम्प्रूव, जो अल्कलाइन सॉइल है उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसको हम बाय द यूज ऑफ जिप्सम, जिप्सम के यूज द्वारा बी, आपका 88 का आंसर बी हो जाएगा जिप्सम के यूज से। 89 आएंगे इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफाइंस कौन है, लोठा पठार क्या है, लोठा पठार क्या है, सेंटर ऑफ द स्टेन एज ऑफ प्राइमेटिव पीपल, जो झारखंड का एक लोठा पठार एक जगह है वो जो है स्टोन एज का एक साइट्स है जहाँ से उसके बारे में वहाँ से प्रमाण मिले। 90 आएंगे कि किस एलिफेंट के बारे में नागपुर, इसका जो है जहांगीरनामा में इसका आंसर नहीं दिया गया। 91 रोहिणी के बारे में पूछा, रोहिणी वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ द 1857 अपराइजिंग इज लोकेटेड टुडे इन विच, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, आपको पता है ये देवघर में है, देवघर के रोहिणी से जो है 1857 का रिवोल्ट बिहार में स्टार्ट हुआ था, तो आपका आंसर 91 का सी हो जाएगा। 92 आएंगे हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द संथाल, संथाल जो जनजाति है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो भगवान है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ए मारंग बुरू। 92 का आंसर क्या हुआ, मारंग बुरू। 93 आएंगे इन विच टाउन वाज द राजकुमार, है ना, राजकुमारी लेपर असाइलम, राजकुमारी कोर जो है आश्रम किस जिले में है, तो ये आप देखोगे ये देवघर में है, 1895 में स्टैब्लिश हुआ है देवघर में। 94 आएंगे वाई विच टर्म डज द हिल खड़िया कम्युनिटी, ठीक है ना, रिफर टू ए बॉडी, हिल खड़िया समाज में पंचायत से बड़ी संस्था क्या कहते हैं, पढ़ा, इसका आंसर क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है 94 का। 95 में हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड द हेड ऑफ द विलेज, क्या कहते हैं उसको, खुटखुटी रैयत, जेठ रैयत, आसामी रैयत, इसका भी आंसर नहीं दिया गया है, जिसका आंसर नहीं है उसको मैं नहीं बता रहा, उसको आप देख लेंगे आप लोग। 97 में आएंगे विच ईयर, किस साल में जो है ग्रीडी रेलवे से कनेक्टेड हुआ, जो झारखंड का जिला है ग्रीडी वहाँ पे सबसे पहले रेलवे किस साल में आया, तो इसका आंसर आपका 1871 में, 1871 में जो है रेलवे से कनेक्ट हुआ है ग्रीडी। 98 आएंगे द फेमस पिलग्रिम सेंटर पारसनाथ, उससे सबसे नज़दीक से कौन सा शहर है, पारसनाथ पता आपको झारखंड का सबसे बड़ा पीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इससे सबसे नज़दीक है, तो मधुबन जो है 98 में सी आपका आंसर आएगा। 99 आएंगे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पता आपको 5 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं,
इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, और ये कब मनाते हैं, ये 10 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो आपका ये आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे 99 का। और लास्ट क्वेश्चन है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम, किस राज्य ने सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है सीखो और कमाओ योजना, तो यहाँ पे 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 100 का आंसर क्या है यहाँ पे, बी हो जाएगा, सीखो और कमाओ योजना बी, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपने देखा 7-8 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं, उसको बाद में हो सकता है कि अपडेट कर दें, एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था जिसको मैंने सही करवा दिया है। ये GS1 का पेपर है, आप लोग इससे मैच कर लें, जो स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग GS2 से भी, कल GS2 का हम लोग लेके आएंगे, GS2 का जो पेपर है उसके जो है पूरे सॉल्यूशन लेके आएंगे, और उससे आप दोनों से मिला करके अपना स्कोर देख सकते हैं, और उससे अपना जो है इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स का जो परफॉर्मेंस है कैसा, आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए कि अगर आपका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है तो करेंगे आप, और पेपर कैसा हुआ है, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, रूमर्स पे आप लोग ध्यान ना दें, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं हो जाता तब तक आप जो है अपने स्कोर्स को मिला के आगे की तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि एक सेंटर से अगर ऐसे रूमर्स आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाए, तो अभी आप लोग पैनिक ना हो, आप तैयारी करें, 2-3 दिनों में सब क्लियर हो जाएगा कि क्या डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने या कमीशन ने उसके बारे में, ठीक है। तो अभी मेरी सलाह यही है कि आप तैयारी करें, और हम लोग जो है बहुत जल्द जो है JPSC पे मेंस बैच लाने वाले हैं JPSC एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, JPSC मेंस बैच जो है लॉन्च होने वाला है, JPSC 2024 मेंस बैच जो कमिंग सून बहुत जल्द आ रहा है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें मेंस बैच तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, PramIAS पे जो कॉन्टैक्ट नंबर PramIAS का आपके पास है टेलीग्राम पे या बाकी मीडियम पे जो है जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके मेंस बैच के बारे में आप क्वेरीज आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। JPSC मेंस के लिए हम लोग प्रीलिम्स के लिए कुछ क्लासेस हमने ली थी, कुछ वीडियो हम लोगों ने जारी किए थे, तो अभी सेकंड पेपर हमने नहीं देखा, सेकंड पेपर मैं देखूंगा उसका सॉल्यूशन जब लेके आऊंगा कल परसों, उससे मैच कर लेना आप लोग, या ऑफिशियल आंसर की आ जाता है कमीशन का जो सबसे ऑथेंटिक होगा उससे आप मैच कर लेंगे, और बहुत जल्द हम लोग PramIAS जो है JPSC मेंस का बैच लॉन्च करने वाला है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इसके कॉन्टैक्ट नंबर पर PramIAS के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसका बैच बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इसमें नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा होगा शायद, मैं देखता हूँ अगर आप लोग देखना चाहते तो दिखा दूँ, हमें ये कॉन्टैक्ट नंबर है PramIAS के मेंस का 7250110904 और 05, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कॉल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। मेंस बैच हम लोग झारखंड PCS मेंस बैच लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो अगर मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम लेंगे, 3 महीने के अंदर अगर प्रीलिम्स कैंसिल नहीं होता है तो ये एग्ज़ाम जो है 3 महीने के अंदर हो सकता है मेंस हो जाए, तो आप लोग जो है मेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मेंस बैच JPSC मेंस बैच जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी सेकंड पेपर जो है आपका GS2 का जो झारखंड स्पेशल है, ये तो GS1 था, जो झारखंड स्पेशल पार्टिकुलरली झारखंड स्पेशल का पेपर है GS2 का, उसके बारे में जो है कल हम लोग उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे हैं लेकिन मैक्सिमम के दे रखे हैं, तो आप उसे मैच कर लें, ठीक है। मोस्ट वेलकम, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और मेंस बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना, तो मेंस बैच के लिए अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग जो है PramIAS का मेंस बैच जो झारखंड स्पेशल और जो बाकी चीज़ें हैं जो पेपर है झारखंड के उन सब के लिए हम लोग मेंस बैच लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस बैच तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है आपको, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ 7250110904 या 05, ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं मेंस बैच के बारे में, झारखंड मेंस बैच के बारे में, ठीक है। तो आप लोग से यही मेरी सलाह होगी कि झारखंड के लिए आपने जितना भी पढ़ा है, सेकंड पेपर भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, आप अपना इवेल्युएट कर लीजिए डिफरेंट मीडियम से, ऑफिशियल की से मिला करके, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर ठीक ठाक हो रहा है, आप मेंस क्लियर कर सकते हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाए, मैं तो यह कहूँगा, और इंतज़ार ना करें रिजल्ट का कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एकदम ख़राब है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बीच में भी हैं, बाउंड्री में भी हैं, तो आप जो है मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो PramIAS पहली बार झारखंड मेंस का बैच लेके आ रहा है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको क्वेरीज है पूछ करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग की क्वेरीज के आधार पर हम लोग जो है मेंस बैच आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए गुड लक, अपना ध्यान रखिए।